प्रयागराज में माघ मेले इलाके में आग लगी है, जहां बता दें कि शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के शिविर के पास ये आग लगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मी, तो आग लगने से टेंट में रखा सामान जलकर राख हुआ है, लेकिन अभी तक वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से इस शिविर में आग लगाई है या किसकी लापरवाही से इस शिविर में आग लगी। लेकिन आग बुझाते ये फायर ब्रिगेड के अधिकारी हम आपको दिखा रहे हैं माघ मेले की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुख्ता इंतजाम के बावजूद इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, जो तमाम तैयारियों पर भी सवाल खड़ा कर देती है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी वजह जो है वो साफ नहीं, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। तो ये माघ मेला की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। तो बता दें कि माघ मेला इलाके में ये आग लगी थी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के शिविर के पास ये आग लगी, जिससे टेंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और ये तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस आग पर काबू पाया गया। तो ये टेंट कपड़ों का बना होने के चलते आग तेजी से फैल गई, जिसके चलते टेंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो प्रयागराज की तस्वीरें, जहाँ पर माघ मेला आयोजित किया, 45 दिन तक ये माघ मेला चलता है। तो आपको बता दें कि शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के शिविर के पास ये आग लगी है।